उत्तर प्रदेश परिवहन निगम डिपो आगरा लिपिक उपस्थित पंजिका का डिपो प्रबंधन द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें जो क्रमिक ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे उनके नाम के सम्मुख क्रॉस लगाया गया, लेकिन बाद में प्रबंधन द्वारा लगाए गए क्रॉस पर ऊपर पंजिका के 7वें नंबर पर जो नाम लिखा है उक्त क्रमिक द्वारा बाद में अपने हस्ताक्षर किए हैं, जो उक्त अवधि में अपनी ड्यूटी पर नहीं आए और फर्जी तरह से क्रॉस के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो विभागीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन यो मनमानी सिद्ध होती है। उपस्थित पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कृपया डिपो प्रबंधन इसे गंभीरता से लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। यह हम सभी के लिए एक कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है। हम अपने ड्राइवर, कंडक्टर, डिपो स्टाफ, स्टेशन स्टाफ और आरएम, एसएम, एआरएम सहित अन्य सभी फील्ड अधिकारियों द्वारा इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन के अनुरोध पर तत्काल आवश्यकता के रूप में चलाने के लिए हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, डिपो स्टाफ, स्टेशन स्टाफ और अन्य सभी अधिकारियों द्वारा समर्पण की सराहना करते हुए हैं और सलाम करते हैं। जनता कर्फ्यू और जिला लॉकडाउन कठिन समय में उनके नैतिक स्तर को बनाए रखने और उनके समर्पण को पहचानने के लिए UPSRTC ने इन दिनों के लिए उन लोगों के लिए प्रतिबद्धता प्रोत्साहन के साथ उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अनुबंधी ड्राइवर और कंडक्टर उन कार्य दिवसों के लिए दोगुना राशि प्राप्त करेंगे। नियमित चालक और कंडक्टर अतिरिक्त राशि के रूप में 250 व्यक्ति दिन, पर्यवेक्षक और लिपिक कर्मचारी अतिरिक्त राशि के रूप में 500 प्रति व्यक्ति दिन। इन दिनों में अन्य फील्ड अधिकारी ड्यूटी पर 1000 अधिकारी दिवस अतिरिक्त राशि के रूप में। हम फिर से इन चुनौतीपूर्ण समय में सार्वजनिक कारण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। आगरा फोर्ट डिपो के अंदर संजीव शर्मा जी ने सब लोगों का हाजिरी रजिस्टर चेक किया था और जो लोग अनुपस्थित थे उनके हाजिरी रजिस्टर पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई गई है कि जो लोग लॉकडाउन के अंदर अपने घर से ड्यूटी करने के लिए आए हैं, ड्यूटी करना क्या एक समाज सेवा करने के लिए आए हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि चालक परिचालक जो रेगुलर है उनको 250 रुपये और बाबू वर्ग को 500 रुपये और अधिकारी वर्ग को 1000 रुपये। लेकिन कुछ लोग जो अपने घर से ड्यूटी करने के लिए नहीं आए हैं और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी संजीव शर्मा ने उनके खानों में क्रॉस लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने जबरदस्ती संजीव शर्मा के सामने उन रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए ताकि उनको इंसेंटिव मिले और वो आज तक लॉकडाउन के बाद आज तक समय से उपस्थित नहीं हुए और ना ही उस पीरियड में 10 दिन लगातार वो ड्यूटी पे आए हैं। ऐसा करने से ये राष्ट्र के संग विश्वासघात कर ही रहे हैं, रोडवेज के संग भी कर रहे हैं और इन लोगों का शुरू से इतिहास इन लोगों को खंगाला जाए। इनका हाजिरी रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, मैंने भेज रखा है कि इन लोगों के द्वारा शुरू से फर्जी हाजिरी बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर रोडवेज से वेतन आहरित करते हैं। ये फोर्ट डिपो का मामला है। संजीव शर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं मैं उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं आगरा फोर्ट डिपो का शाखा मंत्री हूँ रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन का और सत्यता को उजागर करना।